हमारे देश में आज भी जाति और धर्म के नाम पर इंसान ही दूसरे इंसान के साथ भेदभाव करता है। इस बीच एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है दूसरी जाति या धर्म में विवाह। यहाँ जाति के नाम पर दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया जाता है। भारत देश में जहाँ लोग दूसरी जाति का छुआ पानी तक नहीं पीते, ऐसे में वह दूसरी जाति में विवाह के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। हिंदू धर्म में अंतर जातीय शादियों को लेकर अक्सर यही कहा जाता है कि दूसरी जाति में विवाह करने पर पाप लगेगा, तुम्हारे बच्चे भी नीच जाति या धर्म के कहलाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब सब इंसानों को भगवान नहीं बनाया है तो उनकी जाति अलग कैसे हो गई? ये जाति प्रथा हमारे समाज में कैसे आई और इस पर हमारे धार्मिक ग्रंथों का क्या कहना है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सभी ब्रह्म के संतान हैं। भगवत गीता के 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वर्ण, जिसे हम जाति भी कहते हैं, का बंटवारा मैंने ही किया है। मैंने ही सभी मनुष्यों को उनके कर्म और गुणों के आधार पर उनके वर्णों में बांटा है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों को कर्म के आधार पर बांटा है, न कि जन्म के आधार पर। मतलब यदि कोई मनुष्य वेदों का अध्ययन करता हो, परम ज्ञानी हो और लोगों को शिक्षा देता हो तो वह ब्राह्मण वर्ण का कहलाएगा। यदि कोई मनुष्य हथियार चलाने में योग्य हो तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। यदि कोई मनुष्य व्यापार करता हो तो वह वैश्य वर्ण का होगा। और अगर कोई मनुष्य दूसरों को सेवा देता हो, जैसे नौकर, तो वह शूद्र कहलाएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो कि एक क्षत्रिय है और वह अब ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और वेदों का अध्ययन करता है तो उसका वर्ण स्वतः ही बदलकर ब्राह्मण वर्ण का हो जाएगा। हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि कोई मनुष्य ब्राह्मण गुणों को धारण करता है तो वह ब्राह्मण हुआ, लेकिन यदि उसका पुत्र एक व्यापारी है तो उसकी जाति उसके पिता की जाति से अलग होगी, मतलब वह वैश्य जाति का कहलाएगा। दोस्तों, इस प्रकार मनुष्यों की जाति उनके कर्म से निर्धारित होती है, न कि उनके जन्म से। कोई भी मनुष्य अपना कर्म बदलकर अपनी जाति बदल सकता है, तो इसे क्या माना जाए जब गीता में ही लिखा है कि इंसान के कर्म के हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित होता है। तो छोटी जाति और बड़ी जाति जैसी छोटी और घटिया सोच को लेकर आप इंसानों में ही फर्क करके दूसरी जाति में विवाह पर रोक लगाते हैं और दो प्यार करने वालों को जाति और धर्म के नाम पर अलग कर देते हैं। जहाँ तक दूसरी जाति में शादी करने की बात है तो खुद कृष्ण रुक्मणी, सत्यवती और शांतनु, दुष्यंत और शकुंतला, विश्रावा और कैकसी जैसी कई उदाहरण हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं, जिसमें श्री कृष्ण वैश्य अर्थात ग्वाला और रुक्मणी एक क्षत्रिय थी, सत्यवती मछुआरन और शांतनु क्षत्रिय थे, विश्रावा एक ब्राह्मण और कैकसी दैत्य थी। हम आपको बता दें कि विश्रावा और कैकसी रावण के माता पिता थे। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जब भगवान ने इंसानों में फ़र्क नहीं किया तो आप उनमें फ़र्क करने वाले कौन होते हैं और खुद को बड़ी जाति और दूसरों को छोटी जाति का कैसे समझ सकते हैं? यदि भगवत गीता की दृष्टि से देखा जाए तो खुद को ऊंची जाति का मान इंसानों में फ़र्क करने वाला इंसान ही भगवान की दृष्टि में सबसे घटिया और नीच जाति का होता है, चाहे वह ब्राह्मण वर्ण धारण करने वाला ही क्यों ना हो। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, धन्यवाद।